पढ़ाई करने के बाद आईटीआई मोटर मैकेनिक करने के बाद फिर सोचा कोई अपना कारोबार करेंगे, लेकिन मेरा भाग्य मधुबन हेडक्वार्टर में दिखा था। तो इसके पीछे दो दादियों का विशेष वरदान है जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। गुलजार दादी जिनके तन में शिव बाबा आते थे, अंतिम तन हिमाचल में उनका आना हुआ शिमला में, तो वहाँ पर मुझे उनके साथ एक हफ्ता सेवा करने का मौका मिला। जैसे ही मैं उनकी सेवा किया तो उसी समय दादी के मुख से शब्द निकले, आप जैसे भाइयों की मधुबन में जरूरत है। मैंने पक्का कर लिया, कुमार जीवन थी, निर्बंधन था, कोई बंधन नहीं था, कि अगर बड़ों के साथ मधुबन में रहने का चांस मिले तो इससे परे और क्या भाग्य। उस वक्त आपकी क्या उम्र थी जब? उस समय मैं मोटर मैकेनिक आईटीआई करने के बाद मैट्रिक कर लिया था, 18-19 साल उम्र थी। फिर मैंने रुक किया यहाँ पे, 2 साल तक ऑफिस में ड्यूटी मिली, कोई मेरे मुताबिक सेवा नहीं थी, लेकिन मैंने 14 साल दादी प्रकाशमणि की गाड़ी को ड्राइव किया यहाँ पे। वो पहला दिन मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा कि माउंट आबू में एसटीटी फोन नहीं होते थे। दादी जी को अचानक फोन करने संगम और आबू रोड आना था। दादी जी की जो रेगुलर नियमित रूप से गाड़ी ड्राइव करता था वो घर गया हुआ था, तो क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट में सेवाएं दे रहा था ऑफिस में, तो इंचार्ज भाई ने कहा कि भी आपको ही दादी को लेके जाना है। पहला दिन ऊपर से दादी जी चले, नीचे आए, नीचे से ऊपर जाने लगे। हर एक के जीवन में कुछ ऐसे यादगार पल होते हैं जो भुलाए भी नहीं भुलाए जा सकते। आज भी जब जब मैं उस मोड़ को क्रॉस करता हूँ दादी के वो शब्द मुझे याद आते हैं। दादी ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के पूछा था, प्रकाश आज के बाद दादी की सेवा करोगे? तो चांस मिले अगर सेवा का तो करोगे? मैंने तुरंत जवाब दिया, जिस लक्ष्य को लेकर के मैं हिमाचल से छोटे से गाँव से निकला था, 2 साल लग गए उस लक्ष्य को पूरा करने के। मैं साथ में 14 साल उनके साथ रहा, उनके व्यक्तित्व में मैंने क्या देखा, दादी प्रकाशमणि अगर चलती भी थी तो चाल भी साधारण नहीं थी, अगर बोलती थी तो बोल भी साधारण नहीं थे, हर बोल में कर्म में गुण और विशेषता दिखाई देती। ये था दादी प्रकाशमणि का व्यक्तित्व। आप ये सोचो कि 14 साल में आपकी गाड़ी खराब भी हुई होगी, टायर पंचर भी हुआ होगा, इतिहास गवाह है इन 14 साल में दादी अगर जयपुर आगरा पूना कोल्हापुर तक मैं लेके गया हूँ, अगर गाड़ी में दादी बैठी है, गाड़ी खराब तो छोड़ो, मेरा टायर पंचर तक नहीं हुआ। ये कमाल किसकी थी? उस शिवपापा परमात्मा की। और अव्यक्त बाप दादा से जब मिलना हुआ था तो बाप दादा ने मेरे को वरदान दिया था पर्सनल, बच्चे सभी दादियों की जिंदगी आपके हाथ में हो। कितनी बड़ी बात है ये, सभी दादियों की जिंदगी आपके हाथ में है, हमेशा जब भी स्टेयरिंग पर बैठो मैं नहीं बाबा चला रहा है। अगर इस स्मृति में रहोगे तो कभी भी अगर ध्यान इधर उधर होता है तो बैकबोन बन करके बाबा सदा आपके साथ खड़ा रहेगा। ये प्रैक्टिकल वरदान आज भी जब स्टेयरिंग पर बैठते हैं, मैं नहीं बाबा चला रहा है, ये वरदान मैं सभी मनुष्य आत्माओं को देता हूँ कि जो जब भी आप स्टेयरिंग पर बैठो तो एक सेकंड में ये जरूर सोचो कि मैं नहीं चलाने वाला, कौन है? ऊपर वाला। तो आपका ध्यान कभी भी इधर उधर नहीं भटकेगा। तो बहुत ही सुंदर आपने अनुभव सुनाया प्रकाश भाई, मैं इन्वॉल्व भी हो गया फिर से, जबकि मैं इस इंटरव्यू के पहले भी इसमें से कुछ अंश सुन चुका था जी।